नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग अकेडमी। नर्सिंग अकेडमी आपके लिए लेकर हाजिर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मास्टरी सीरीज। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर GNM एंड BSc नर्सिंग। पहले साथियों, फॉर ऑल नर्सिंग कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना ताकि जितने भी नेक्स्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथी, जुनून है मेरा, जिद है मेरी, मंजिल में हासिल करके रहूंगा, मैं मेहनत कर सकता हूं पर हार नहीं मान सकता। लेट्स स्टार्ट। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंदर ये केवल गेज पेपर है, ना कि 100% श्योरिटी है कि यही क्वेश्चन आएंगे। आप अपने बेस पे तैयारी करें, मेहनत से बढ़िया कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस पेपर पे निर्भर, इम्पोर्टेंट जरूर है ये क्वेश्चंस, पर इस पे निर्भर रहना आपके पास होने की गारंटी नहीं है। लेट्स नाउ स्टार्ट। व्हाट इज द टिश्यू एंड इनलिस्ट द टिश्यूज। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यूज के प्रकारों को इनलिस्ट कीजिए। डिस्क्राइब द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द हार्ट विद डायग्राम। डायग्राम के साथ हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। ऑप्शन थ्री, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन करना है। एंड इनलिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब द मास्टर ग्लैंड विद डायग्राम। मास्टर ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर फोर, चौथा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिफाइन करना है। इनलिस्ट ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड डिस्क्राइब द लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। लार्ज इंटेस्टाइन को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार की बोन पाई जाती है। डिस्क्राइब लार्ज बोन को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन नंबर सेवन, डिफाइन द सेंस ऑर्गन एंड इनलिस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को डिफाइन करें, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन नंबर एट, आठवां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आप पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय टाइप ऑफ पैथोजन। पैथोजन से होने वाले डिजीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें। क्वेश्चन नंबर नाइन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें, यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन की फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर टेन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ न्यूरोन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, राइट द शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट नोट पेंक्रियाज आ सकता है, सेकेंड शॉर्ट नोट सेरिब्रम, थर्ड गॉल ब्लेडर, फोर्थ कार्डियक साइकिल, फिफ्थ WBC पे शॉर्ट नोट क्रेनियल लव, नेक्स्ट स्प्लीन, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, माइटोसिस, वेंट्रिकुलर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, एडिनल ग्लैंड, इसोफेगस, CSF, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओवरी। ये इतने शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले साथियों, इस पेज पे पेपर पे नहीं रहे, सारा सिलेबस कवर करना है। ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जाते टाइम इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपका स्कोर अच्छा बढ़ सके। दोस्तों, आपको यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360690733 पे जरूर भेजिए। आपकी क्वेरी का समाधान करके हमें हार्दिक खुशी होगी। आपने अभी तक नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो आ रहे हैं सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले साथियों, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, उस पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि जितने भी वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले साथियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। पहले साथियों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नए नए रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।